रात को किसी और नींद में हार्ट अटैक आया, इसी दौरान बेचारा अल्लाह को प्यार हो गया। जवान आदमी को हार्ट अटैक, वो मेरे क्या होगी बेचारे की। खाने का और टेंट का मैंने बंदोबस्त कर लिया है, भाभी से कहना पैसों की बिल्कुल फिक्र न करें, सब काम हो गया है। अल्लाह आपको इसका अजर दे। वैसे कितना खर्चा हुआ है? खाने और टेंट के मिला के 15,000। बताइए मरना भी आजकल कितना महंगा हो गया है। कितने में हुई खबर? पूरे 50,000 रुपये मांग रहा था, वो तो एक जानने वाले से कॉल करवाइए तब जाके 30 माना है। आ रही हूँ भाई। वालेकुम सलाम। इतनी देर क्यों लगा दी? दरवाजे पे खड़ा रखोगे, अंदर भी आने लगे। मैं तो समझी थी आज आपको नौकरी मिल जाएगी, हर रोज एक उम्मीद की किरण जागती है और फिर वही होता। आपने बताया नहीं कि आप देर से क्यों आए, नौकरी मिल गई क्या? सारे सवाल यही पूछ लो तुम, बाहर से आया हूँ, बैठने तो दो, पानी तो पिलाओ। हाँ अभी लाए। हाँ वो देर इसलिए होगी क्योंकि 2-3 जगह इंटरव्यू देने गया था, तो किराया बचाने के लिए कुछ सफर पैदल भी तय किया, इसलिए देर होगी। नौकरी का हुआ कुछ? कुछ नहीं हुआ, हर तरफ परेशानी है। दो महीने हो गए आपकी नौकरी खत्म हुए, हर गुजरते दिन के साथ मेरी टेंशन तो बढ़ती जा रही है। तो तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें टेंशन है? मुझे कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं कह रही, बस बता रही थी आपको। वो बताओ जो मुझे पता नहीं है। बच्चे किधर है, नजर नहीं आ रहा है। कहाँ जाएंगे, खेल रहे हैं बाहर बेचारे। गली में तो नजर नहीं आया मुझे। अगली गली में जाके खेल रहे हैं, मगरिब तक आ जाएंगे वापस। किराया चढ़ गए, बिजली का बिल, गैस का बिल, और पता नहीं कब से बच्चों के स्कूल की फी तो गई नहीं है। कैसे होंगे सारे खर्चे पूरे, मेरी तो समझ में ही नहीं आता। अभी आते हुए यही सोच रहा था मैं, नौकरी का तो पता नहीं लेकिन अगर 50,000 रुपये मिल जाए ना तो ये वक्त कट जाए। वो कैसे? अब देखो ना, 2 महीने का किराया है, राशन वाले का उधार है 11,500, 2 महीने का बिजली का बिल हो गया 6,500, और स्कूल की फीस हो गई 4,000। ये हो के कुल मिला के हो गए कुछ 40,000। 10,000 रुपये बचेंगे, उसका क्या करेंगे? सोच रहा हूँ उसका वो सिलेंडर और कढ़ाई ले लूँ, आलू के चिप्स बना के बेचूँ। अभी नौकरी तो मिल नहीं रही तो अपना काम शुरू करता हूँ, मेहनत करूँगा, अल्लाह बरकत दे। पर इतने सारे पैसे इतनी महंगाई में हमें कौन देगा? दे देगा कोई दोस्त यार रिश्तेदार, कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। खाना लगाऊँ आपके लिए? नहीं, मैंने चाय समोसा खा लिया था, बस अब एक ही बार रात में खाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अरे वालेकुम सलाम मेरे बच्चे, आ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब्बू आपने कहा था आप जंपिंग कैसल लेकर जाएंगे। हाँ बिल्कुल लेके जाऊंगा। और प्लेलैंड भी लेके जाएंगे ना? हाँ भी ले जाएंगे। लेकिन कब जाएंगे? जब आप कहेंगे। आप हमेशा ऐसे ही कहते हैं लेकिन कहीं लेकर ही नहीं जाते। अच्छा तो वो जो CV लेकर गया था मैं, वो उसको तो इतने सारे दिन हो गए, दोबारा कब जाएंगे हम लोग? जब आप कहेंगे चलेंगे। बाबा आपको पता है मेरी दोस्त के बाबा ने उसको नई साइकिल दिलाई है। अच्छा तो ठीक है, फिर हम भी आपको एक नई साइकिल दिला देते। झूठ झूठ, आप नहीं लेकर आएंगे, मुझे पता है आपने मुझसे भी वादा किया था साइकिल का लेकिन नहीं दिलाई। तो फिर एक काम करते हैं, आप दोनों को एक साथ ही साइकिल दिला देते हैं। सच? एक साथ? अब्बू झूठ बोल रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वरना स्कूल की फीस ना दे देते।
अयान चुप हो जाओ, अब्बू से ऐसे बात करते? और देखो कितना पसीना आ रहा है मिट्टी में, और जाओ जाके मुंह हाथ धो, तेरा अभी जाओ। बच्चों की बातों का बुरा मत मनाइएगा, वो स्कूल में फीस का तकाजा करते हैं ना बार बार, परेशान हो गए हैं बेचारे। बच्चों की बातों का क्या बुरा होगा, वैसे भी ठीक ही कह रहे हैं। आयान की बातें दिल पे मत ले, उसके तो जो दिल में आते हैं ना बक देता है, सोचता भी नहीं है कुछ। तुम बिला वजह परेशान हो रही, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। आप भी मुंह धोने खाना लगा देती हो। अभी तो 8 बजे हैं, इतनी जल्दी? हाँ तो एक दिन जल्दी खाना खा लेंगे तो क्या होगा, वैसे भी एक समोसा खाया आपने। तुमने खा लिया खाना? मेरा क्या है, मैं तो घर में होती हूँ ना, हर वक्त कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, पेट भरा होता है मेरा। अब तुमसे बातों में तो नहीं जीत सकता मैं, लगा दो। इतनी रात को आपने तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता मैं हाजिर हो जाता। बुलाता तो तब ना जब आप फोन उठाते। 3 दिन से बराबर कॉल कर रहा हूँ आपको मैं, लेकिन आपसे बात ही नहीं हो पाती। मुझे बस इत्तेफाक है, जब आपका फोन आया तो या सफर में था या फोन साइलेंट पे। आप कॉल बैक कर लेते, वो भी नहीं किया आपने। बस ये परेशानी में जहन से निकल गया। खैर बताइए कैसे जहमत की? मैं ये पूछने आया हूँ आपसे कि 2 महीने का किराया तो पहले ही जमा है आपकी तरफ, अगले हफ्ते 3रा महीना लग जाएगा। अब क्या इरादा है आपका, कब किराया देना है? फिलहाल तो नहीं दे सकता, थोड़ी मोहलत और दीजिए, दे दूंगा। थोड़ी थोड़ी करते 2 महीने तो हो गए। आपको नौकरी की तलाश भी कर रहा हूँ, आपको पता है मुल्की हालात और महंगाई जैसी है, नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। आप सही कह रहे हैं, मगर मेरी मजबूरी समझें, ये किराए मेरी आमदनी का जरिया है। आपने तो 3 महीने का एडवांस दिया है, अगले महीने अगर आपने किराया नहीं दिया तो मजबूर होकर मुझे आपका मकान खाली कराना पड़ेगा, तब आप मुझे शिकायत नहीं करना। नहीं नहीं जी, उसकी नौबत नहीं आएगी, इंशाल्लाह उससे पहले कर दूंगा। ऐसा हो जाए तो अच्छा है, वरना लोग कहेंगे माली मकान के सीने में दिल ही नहीं था। नहीं नहीं, हमने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। आप नहीं कह रहे ना, दुनिया तो यही कहेगी ना। छोटू, 2 चाय अच्छी सी कड़क लेकर आओ। क्या कह रहे थे तुम फोन पर? भाई वो नौकरी चली गई है मेरी, 2 महीने हो गए। कोई मसला उसका हो गया था क्या? नहीं भाई, वो मुल्क के हालात और डाउनसाइजिंग उसी की जद में आके। ओहो, अब बड़ी तो फिक्र की बात है, लगी लगाई नौकरी चले जाना ही तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। सही समझा, वो आपने सलमान की शादी में कहा था मुझसे कि आपके साथ आके काम करूं, तो सोच रहा हूं कि फिर आप ही के साथ आके मेहनत करता हूं। अरे भाई शाकिर, यहाँ 1 महीने का पता नहीं चलता, तुम 1 साल पुरानी बात कर रहे हो। 1 साल में इतने हालात बदल गए हैं कि ना वो काम रहा है ना वो मुनाफा। दरअसल 2 महीने से बच्चों की फीस नहीं जमा कराई स्कूल में, रोज बच्चों को बातें सुनाते हैं। अगर 5,000 रुपये मिल जाए तो मैं 2 महीने तक वापस कर दूँ। अब शाकिर, एकदम से 5,000 रुपये निकालना तो जरा मुश्किल हो जाएगा। अब तुम 1-2 महीने दो मुझे, तो मैं देखता हूँ। चलें ठीक है, मैं कुछ और देखता हूँ। अरे भाई चाय मंगाइए, वो तो पीते जाओ। नहीं भाई, वो असल में तेजाबियत है सीने में, चाय पीऊँगा तो तबीयत और बोझल हो जाएगी। मैं अभी जाता हूँ, फिर शायद अगले महीने चक्कर लगाऊँ। पी लेते तो अच्छा था। खैर लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो ख्याल रखना। देखो आने से पहले फ़ोन कर लेना, ये किराया और वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि आदमी पैसे बचाए, महंगाई बहुत है। ठीक है सर।
पिछले महीने के और इस महीने के मिलाकर 11,500 रुपये हो गए आपकी तरफ। अभी कितने दे रहे हैं आप? अभी तो कुछ नहीं दे पाऊंगा भाई, कुछ दिन और चाहेंगे। शाकिर भाई, मेरी छोटी सी दुकान है, 10-15 दिन से ज़्यादा उधार में देता नहीं हूँ। अब आपसे क्योंकि पुराना ताल्लुक है, इसलिए 2 महीने से आपको कुछ बोला नहीं मैंने। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और साथ में शर्मिंदा भी हूँ कि वक्त पर अदायगी नहीं कर सकता। वो तो ठीक है, पर कोई तारीख तो होगी जो आपको आसान लगे, वही बता दें। कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ कर्ज़ा उठा लूँ ताकि कम से कम आपकी रकम तो अदा कर दूँ। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा चाकिर भाई, मैंने भी दुकान में माल डालना होता है। भाई कुछ सौदा और चाहिए था मजीद। हाँ जी जी बताइए। जी बस 1 किलो दाल। ठीक है रिजवान, ये सारा सामान बांधो, इसके पैसे तो अभी दे रहे हैं ना आप। ये भी खाते में लिख दे। शाकिर भाई ये भी खाते में लिख लूँ, 1,250 रुपये का सामान तो यही हो गया और 11,500 पिछले, टोटल 12,700 रुपये हो गए आपकी तरफ। जी अरे शाकिर भाई, कोशिश कीजिएगा कि इसी हफ्ते में पेमेंट हो जाए। हाँ जी पूरी कोशिश करो। अरे रिजवान जल्दी करो भाई। जी जी बात। ये ऐसे क्यों सो रहा है यूनिफॉर्म में, क्या हुआ है? स्कूल गए थे तो उन लोगों ने बहुत बेइज्जती की है फीस जमा ना होने पर। बहुत रोया घर आके, फिर गुस्से में यूनिफॉर्म में सो गया। कमाल के लोग हैं भाई, बच्चों का क्या कसूर, फीस इन्होंने देनी है हमने। सुबह मुझे जल्दी उठाना, मैं जाके बात कर पाऊँ। अरे नहीं ज़रूरत नहीं है, आप जाके कुछ कहेंगे खामखां वो लोग बदतमीज़ी करेंगे और लड़ाई हो जाएगी, मुझे डर लगता है। इतने साल हो गए शादी को, कभी लड़ते हुए देखा है हमने? समझाऊंगा उन्हें, हमको भागे तो नहीं जा रहे जो बच्चों को जलील कर रहे हैं। चाहिए छोड़े। हाँ लेकिन इस तरह तो वो रोज़ रोज़ कुछ कहेंगे बच्चों को, कुछ तो करना पड़ेगा। अयान बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ जी। आ जाओ शाम। क्या बात है, यूनिफॉर्म नहीं बदला ऐसे सो गए? अब्बू मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बहुत गंदे सारे टीचर्स। अरे बुरी बात, टीचर्स को गंदा नहीं कहते, और अगर स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ाई का नुकसान होगा ना। कुछ दिन बच्चों को स्कूल नहीं भेजते ना, ये तो कोई हल नहीं है ना। आप कर रहे हैं ना पैसों का इंतजाम, हो जाएगा तो भेज देंगे बाद में। हाँ वो तो कर रहा हूँ लेकिन फिर भी। हमारे बच्चे कौन से अल्लामा इकबाल, 10 दिन स्कूल नहीं गए तो कोई हर्ष तो नहीं होगा। इसका मतलब हमारी 10 दिन की छुट्टी। यस। कोई यस वैस नहीं, घर में पढ़ाई करनी पड़ेगी वरना नुकसान होगा पढ़ाई का। घर में कौन पढ़ाएगा? हमारी अम्मी पढ़ाएंगी, और कौन पढ़ाएगा? नहीं अम्मी से नहीं पढ़ूंगा, अम्मी तो टीचर से भी ज्यादा डांटती है, बल्कि मारती भी है। अभी बताऊं तुम्हें? अच्छा अच्छा चलो नहीं मारेंगे ठीक है, खबरदार जो मेरे बच्चों को। चलो जाओ शाबाश, कपड़े बदलो जा। पानी लेके आते। अरे भाई कुछ बोलोगे भी या यूं ही खामोश बैठे रहोगे? नहीं भाई ऐसी तो कुछ बात नहीं है। देखा बेगम मैं बहरा हो गया हूँ, मतलब शाकिर इतनी देर से बातें कर रहा है और मैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरा भाई बैठा होता ना तो मैं आपकी बात पे यकीन कर भी लेती, लेकिन आपका भाई बैठा था, आपको तो अच्छे से आवाज आएगी ना। देखा तुमने, ये कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। खैर तुम सुनाओ। बस आजकल नौकरी नहीं है, तलाश जारी है। यार नौकरी तो वहाँ भी नहीं है जहाँ मैं काम करता हूँ, बड़ी मुश्किलों से अपनी नौकरी बचा के बैठा हूँ। नहीं नहीं मैं आपसे जॉब की बात करने नहीं आया हूँ। अच्छा फिर? कुछ पैसे चाहिए थे, आहिस्ता आहिस्ता करके अदा कर दूँ। कितने पैसे? वैसे तो 50,000 चाहिए, लेकिन आप 20-25 भी दे दें, बाकी का इंतजाम मैं कर लूंगा कहीं से। यार कमाल करते हो, 20-25 तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये कोई रकम ही ना हो। आप सेविंग करते हैं भाई, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। आप बड़े भाई हैं मेरे, आपसे नहीं कहूँगा तो कैसे कहूँगा? भाई बड़ा भाई हूँ लेकिन
लेकिन बात दरअसल यह है कि पिछले महीने तुम्हारी भाभी के भाई की शादी हुई, जो रकम जमा की थी लेने देने में और बच्चों के कपड़ों में सब खर्च हो गया, और तुम्हें भी तो बुलाया था, तुम आए नहीं। उस वक्त तुम्हारी भाभी बहुत नाराज थी। उस वक्त ना सलामी के पैसे थे, ना टैक्सी का किराया था, कैसे आते। चलो कोई बात नहीं, नहीं आए तो खैर है, लेकिन इस वक्त हाथ बहुत तंग है। वैसे क्या करोगे इतने पैसों का? मकान का किराया और बच्चों की स्कूल की फीस लेना जरूरी है। भाई किराए के मकान में तो हम भी रहते हैं, बच्चों की फीस भी हमें अदा करनी पड़ती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। वैसे इंसान को ना अपने हैसियत के मुताबिक काम करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग सही कह गए कि जितनी चादर हो ना उतना पांव फैलाना चाहिए। आपको किसने कहा था ऐसी जगह किराए का घर ले लें जिसका आप किराया भी नहीं दे सकते, और बच्चों को भी अपनी हैसियत के मुताबिक दाखिला करवाना चाहिए। तुम क्यों बीच में बोल रही हो, मैं बात कर रहा हूँ ना। मकान और बच्चों का स्कूल हैसियत देख के ही लिया था, आजकल नौकरी नहीं है बस इसलिए परेशानी है। मकान मालिक से बात करो, उससे कुछ वक्त मांगो। जी वही करता हूँ। ठीक है जी, इजाजत दीजिए। अच्छा सुनो, 3-4 हज़ार रुपये मेरे पास पड़े हैं, अगर नहीं जरूरत नहीं। नासिर जब चाय पीनी नहीं होती तो बनवाते क्यों? खामखाई मेरी मेहनत जाया करवाई तुमने, पैसे दरख्तों पे नहीं उगते। वो चिप्स का ठेला लगाएंगे तो घर का सारा खर्चा चल जाएगा। हाँ बचत है उसमें, कितने चिप्स वाले हर एक के केबिन पे इतना रश होगा, 50-60 रुपए किलो आलू, अगर तेल भी देख के इस्तेमाल करे तो बहुत मुनाफा। बस पैसों का बंदोबस्त। मेरे भाइयों के भी हालात अच्छे नहीं है, वरना उनसे ही मदद मांग लेते हैं। शाकिर आपका एक दोस्त था ना जापानी कंपनी में जॉब करता था, पाकिस्तान में या दुबई चला गया। अच्छा याद आया, पिछले साल आ गया था पाकिस्तान, साइट एरिया के पास है उसकी कंपनी का ऑफिस। तो उससे बात करके देखे ना, क्या पता मदद हो जाए। मेरा वहाँ क्या काम, बहुत सारे इंजीनियर और टेक्निकल लोग होते, मुझे थोड़ी नौकरी देंगे। चले नौकरी ना से, वो पैसे तो उधार दे देगा ना हमें, 50,000 ज्यादा तो नहीं है उसके लिए। अच्छा थोड़ी लगेगा, इतने सालों बाद अचानक मिलने और सीधा कर्जा मांग, क्या सोचेगा मेरे बारे। कुछ भी नहीं सोचेगा, और अच्छे दोस्त तो वैसे भी मुसीबत के वक्त काम आते हैं, इंसान अपनों से नहीं कहेगा तो और किससे कहेगा जाके। कहा था अपनों से, पैसे तो दूर की बात, इज्जत भी नहीं। फिर से भाभी की बातों के बारे में सोच रहे ना। भाभी से ज्यादा मुझे भाई कह रहा था, तो हमारी शादी नहीं हुई थी ना, मैं जो कमाता था लाके भाई की हथेली पे रख देता था, भाई मुझे उसमें से जेब खर्च देता था। लेकिन आज भाई ने जिस तरह बात की ना मुझसे, कोई बात हर ऐसे भी हालात इतने खराब है, महंगाई है, बेरोजगारी, टेंशन में किसी के भी मुंह से कुछ भी निकल जाता। कल जाएंगे ना दोस्त के पास बात करने? हाँ जाता हूँ। अच्छा चल फिर आप बता
कि आज अचानक से तुझे इस दोस्त की याद कैसे आ गई? कुछ काम था यार। यानी हमें मिलने से मतलब है और तुम मतलब से मिलते हो? नहीं यार, ऐसी बात तो नहीं है। अरे यार, तू तो सीरियस हो गया। मैं मजाक कर रहा था यार, सॉरी भाई। अच्छा चल बता, काम क्या है बता। भाई मुझे ना 50,000 रुपए चाहिए 4 महीनों के लिए, मैं उससे पहले वापस कर दूँ। ओ तो ये बात है। क्या बात है, क्या हुआ? यार शाकिर, अब इस सिचुएशन में मैं कुछ भी बोलूँगा ना, तुझे लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पता। यार ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ मेडिकल देती है बीवी बच्चों के लिए, जबकि ज़रूरत पड़ती है वालदेन के लिए। क्या हुआ, सब खैरियत है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब सब खैरियत है। असल में 3-4 महीने पहले अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई थी, डॉक्टर से चेकअप कराया था, डॉक्टर ने बाईपास का बोला। कंपनी में मेडिकल के लिए अप्लाई किया, मेडिकल अप्रूव नहीं हुआ, अलबत्ता उसकी मद में लोन अप्रूव हो गया। अब उस लोन की मद में हर महीने मेरी सैलरी में से तकरीबन 50,000 रुपये का अमाउंट पड़ जाता है। तो यह बात। और आजकल इस बढ़ती हुई महंगाई में, जहाँ हर घर का बजट आउट हो चुका है, बंदा जितना भी कमा ले महीने के आखिर में कम पड़ ही जाता है। ठीक कह रहे हो यार, महंगाई का तो बुरा हाल। लेकिन तू टेंशन ना ले, कुछ करते हैं। अरे हाँ, तू सुहेल से मिलना। सुहेल से? हाँ हाँ, दोस्त है अपना यार, और माशाल्लाह उसका अपना कारोबार है और आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? यार मेरी उससे इतनी बेतकल्लुफी नहीं है। अरे तो उसकी टेंशन ना ले, उससे मैं बात कर लूंगा, तू बस यहाँ से सीधा उसके पास जा। मैं सॉरी यार, ये रोज रोज की इनकी चिक चिक की वजह से बिल्कुल ही भूल गया। ये बताओ क्या खाओगे, क्या पियोगे? नहीं कुछ नहीं। तनवीर की कॉल आई थी मेरे पास, उसने बताया था तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में। तुम परेशान नहीं हो, मेरे पास एक 50,000 की पेमेंट आने वाली है 2-4 दिन में, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, फिर जब सहूलत हो तो मुझे वापस कर देना। यार तुम्हारा बहुत शुक्रिया यार, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे अदा करूँ तुम्हारा शुक्रिया। अरे भाई अभी शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हो, अभी तो सिर्फ वादा किया मैंने, रकम तो नहीं दी ना। किसी ने झूठे मुंह पूछा भी नहीं मुझसे, मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी तुमने, बहुत मेहरबान। अरे अरे कोई मसला नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को भिजवाता हूँ, जरा मैं हिसाब किताब भी देख लूँ। अरे बैठो बैठो। भाई इतनी गर्मी है, आप थोड़ी सी तो मोहलत दें, मेरे बच्चे छोटे हैं, हम बिजली के बगैर कैसे रहेंगे, आप खुद सोचें ना। मैं कह रही हूँ कि हम बिल जमा करवा देंगे, रोक दें इनको। क्या बात है भाई, क्या हुआ है? अच्छा हुआ शाकिर आप आ गए, देखे ना इन्हें बगैर बताए बिजली का तार काट रहे हैं हमारा। मैडम जरा गौर से देखें अपना बिल, इस पे साफ साफ लिखा है कि अगर 2 महीने का बिल अदा नहीं करेंगी तो आपकी बिजली कट जाएगी। हाँ तो भाई अभी 2 दिन बाकी है। कौन सी दुनिया में है आप, कल आखिरी तारीख थी बिल जमा कराने की, उसूलन तो कल ही काट देनी चाहिए थी बिजली, हमने तो फिर भी 2 दिन की मोहलत दी है। अच्छा देखिए, मैं 2 दिन में पक्का बिल जमा करा दूंगा, आप अभी एक कनेक्शन वापस लगा। सर हम नौकरी पेशा लोग हैं, हमें जितना कहा जाए हम उतना ही करते हैं, आप 2 दिन बाद जमा किया हुआ बिल ऑफिस में आकर दिखा दीजिए, हम उसी वक्त आकर कनेक्शन लगा देंगे। तो क्या 2 दिन हम बगैर बिजली के रहेंगे? ये तो आप लोगों के सोचने की बात है। भाई कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि हम 2 दिन में जमा करवा देंगे बिल। देखिए बाजी, हमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, हमें जो ऑर्डर मिलता है हम वही करते हैं। अच्छा ठीक है, अगर आपके ऑफिस वाले बोलेंगे फिर तो आप कनेक्शन लगा देंगे। अरे भैया अगर वो बोलेंगे तो जरूर, हमें कौन सी ज़ाती मसला है आपके साथ। ठीक है तुम अंदर जाओ, मैं इनके साथ होके आता हूँ। चले जी, आए आज आज। कौन आ गया, कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाकिर कहाँ है, उसे बाहर भेजिएगा। घर पे नहीं है, बिजली के दफ्तर तक गए हैं, अभी आते हैं। हमने बिजली वाले क्यों आए थे? बिजली काट के गए हैं, वो गए हैं अभी बात करके आते होंगे। क्या बात करेगा वो उनसे,
इसी बात का डर था मुझे। समझी नहीं। शागिर आ जाए ना तो उससे कहना इस हफ्ते किराया दे दे, वरना ये मकान खाली करना पड़ेगा। कमाल करते हैं आप, 3 महीने का एडवांस दिया हुआ है आपको, पैसे कैसे खाली करेंगे? हर मकान का 6 महीने का डिपॉजिट होता है। आप लोगों की परेशानी देख के मैंने 3 महीने का डिपॉजिट लिया था। अब देख ले, 3rd महीने का भी हफ्ता हो गया है, डिपॉजिट आपका खत्म समझिए। देखिए भाई साहब, जहाँ आपने इतनी मुरव्वत और लिहाज दिखाया है और इंतजार किया, थोड़ा और कर लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हफ्ते 2 हफ्ते में ना हमारे पैसे आ जाएंगे, किराए दे देंगे हम। भाई आपको यकीन होगा ना, मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, ना तो शागिर के पास नौकरी है, ना उसके पास कोई जरा है पैसे आने के। बेहतर यही है कि आप लोग मकान खाली कर दें, वरना। वरना क्या? वरना मुझे मकान खाली कराना आता है। धमकी दे रहे? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अब दोबारा आऊंगा ना तो मकान खाली करवा लूंगा, अगर किराया हो जाए तो अदा करने आ जाइएगा। कैसे रहेंगे बिजली के बगैर? रात में थोड़ी मुश्किल होगी, दिन तो रोशनी में गुजर जाएगा। अपने लिए नहीं कह रही, बच्चों के लिए परेशान हो रही। टीवी भी नहीं चलता ना, बहुत तंग करते हैं। बस 2-3 दिन की बात है। 2-3 दिन पता नहीं कैसे गुजरेंगे। बिजली के दफ्तर गए थे ना, मालिक मकान आया था, किराए का तकाजा कर रहा था, धमका के गया है कि बंदोबस्त ना हो तो घर खाली कर देना अगले हफ्ते। उसकी नौबत नहीं आएगी, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। कैसे होगा इंतजाम? एक दोस्त ने वादा किया, 3 दिन बाद बुलाया। किराया देंगे, बिजली का बिल भरेंगे या बच्चों के स्कूल की फीस? अरे सब हो जाएगा, पूरे 50,000 दे रहे। सच? तो ये खुशी की खबर पहले देनी थी ना, वापस कब देना होगा उसका उधार? कोई फिक्र नहीं उसकी, कह रहा है जब हूँ दे देना। देखा, मैंने कहा था ना वो जापानी कंपनी वाला जरूर आपकी मदद करेगा। ये वो दोस्त नहीं है, एक और दोस्त। चलिए जो भी कोई है, अल्लाह उसे खुश रखे, बहुत तरक्की दे। अरे क्या हुआ गुड़िया रानी, नींद नहीं आ रही? अब्बू इतनी गर्मी हो रही है, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। अच्छा एक काम करते हैं, आज बाप बेटी दोनों सहन में सो जाते हैं, ठंडी हवा। जी अब्बू, हम लोग स्कूल कब से जाएंगे? 3 दिन बाद। सच? बिल्कुल सच, और उसके बाद मैं आपको जंपिंग कैसल भी लेके जाऊंगा। सॉरी यार। अरे बैठो, खड़े क्यों हो गए? अरे यार बहुत गर्मी है और ट्रैफिक, इस कदर ट्रैफिक है लगता है पेट्रोल फ्री में मिल रहा है। हाँ ये ट्रैफिक और गर्मी तो अब कराची का हिस्सा बन गया। ये बताओ कुछ खाया पिया तुमने या नहीं? हाँ। आई एम सॉरी यार तुम्हें यहाँ इंतज़ार करवाया, दरअसल मैं फ़ोन पे बता नहीं सकता था, बताता तो अजीब सा लगता, तुम समझ भी नहीं पाते। सब खैरियत है? हाँ खैरियत है, तुम्हारी पेमेंट आ गई थी और मैंने निकाल के अलग भी रख ली थी, लेकिन बुराई बता के नहीं आती। आज सुबह हमारे छोटे साहबजादे ने हमारी बेगम का फ़ोन सर्फ की बाल्टी में डाल दिया। बस क्या था, फ़ोन बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अब हमारी बेगम जब तक अपनी बहनों से बात ना कर लें उन्हें चैन नहीं आता। सुबह से मूड ख़राब था, अब तुम्हें पता है घर में बेगम का मूड ख़राब हो तो सारे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। क्या करता, मजबूरन बाज़ार लेके गया। मोहतरमा को 80,000 का फ़ोन पसंद आया,
अब तुम्हारे 50,000 रुपये पड़े थे और 30,000 रुपये मैंने अपनी जेब से भी लगा दिए यार। अरे यार सॉरी यार, तुम फिक्र नहीं करो, 8-10 दिन में मेरी एक पेमेंट और आ रही है, वो उसमें से मैं तुम्हें दे दूंगा, वो पूरी पेमेंट तुम्हारी है। देखो इस तरह चुप करके नहीं बैठो यार, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। नहीं यार, तुम क्यों शर्मिंदा होगे, तुम्हारा क्या कसूर, होने वाली चीज थी हो गई। अब क्या होगा शाकिर? अब्बू अम्मी पूछ रही हैं अब क्या होगा? बेटा वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। अब्बू ये मंजूर है खुदा क्या होता है? इसका मतलब है जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। हम कल स्कूल जाएंगे ना, और जंपिंग कैसल भी। स्कूल भी जाएंगे और जंपिंग कैसल। सच? क्यों खानखा बच्चों को झूठी तसल्ली दे रही? कभी कभी इंसान दूसरों को नहीं खुद को तसल्ली देता। हो जाएगा कुछ ना कुछ सुबह तक। ऐसा क्या होने वाला है जो इतना यकीन है आपको? अल्लाह इंसान पे उसके जरफ से ज्यादा आजमाइश नहीं डालता। मतलब अल्लाह पे भरोसा रखो। मेरा दिल कहता है कि कल तक पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अम्मी क्या हुआ? अम्मी मैंने ब्रश कर लिया। शाबाश मेरा बच्चा। अम्मी अब जल्दी से। अम्मी मेरा स्कूल का यूनिफॉर्म कहाँ है? अलमारी में होगा। अब क्या मैं बगैर इस्त्री के यूनिफॉर्म पहन के आऊंगा? अरे भाई वो बाद में देखेंगे, जाओ जाके नाश्ता करो। यार अम्मी आप भी ना। चलो अब्बू को उठा के आओ जल्दी। अच्छा अम्मी मैं इसका यूनिफॉर्म देखूं, सुबह सुबह इतना शोर मचा के रखा हुआ है घर पे। अब्बू जी उठे, अब्बू उठ जाए, नाश्ता कर ले, अम्मी बुला रही है बाहर। अब्बू नाश्ता कर ले। अम्मी 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 बात सुने। अब क्या हुआ? अब्बू नहीं उठ रहे भाई मुझसे। अच्छा मैं उठाती हूँ, अब जाके नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। शाकिर शाकिर, अरे भाई आज क्या पूरी जिंदगी की नींद पूरी कर लेंगे आप? शाकिर 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 उठे ना दे। अल्लाह इंसान पे उसके जर्फ से ज्यादा आजमाइश नहीं डालता। रात को किसी वक्त नींद में हार्ट अटैक आया, इसी दौरान बेचारा अल्लाह को प्यार हो गया। हैरत है जवान आदमी को हार्ट अटैक, उम्र क्या होगी बेचारे की? उम्र से कुछ नहीं होता, ये जो टेंशन है ना अच्छे अच्छों को खा जाती है। कैसी सी टेंशन इसे? 2 महीने से नौकरी नहीं थी, और वैसे भी आजकल पैसों से बड़ी और टेंशन हो क्या सकती है भाई। टेंट और खाने का बंदोबस्त मैंने कर दिया, भाभी से कहना पैसों की बिल्कुल फिक्र न कर, सब काम हो गया। अल्लाह आपको इसका अजर दे। वैसे कितना खर्चा हुआ? खाने और टेंट के मिला 15,000। बताइए मरना भी आजकल कितना महंगा हो गया। कफन के 4,000 और गुसल के 1,000 रुपये कौन देगा? इधर आओ इधर आओ। कितने टोटल? 5,000 हो गए। आप रहने दीजिए बस। आज के दौर में अगर आपने मरना है ना तो कम से कम जेब में 50,000 रुपये होने चाहिए। ये तो शाकिर के दोस्त और रिश्तेदार अच्छे हैं, वरना इस मुश्किल वक्त में
50,000 का इंतजाम कहाँ से होता? कलमाए शहादत।